हाय गाइस, वेलकम बैक हेल्थ मेडिसिन यूट्यूब चैनल। गाइस, हम आज बात करेंगे मेगा सीबी सस्पेंशन का यूज कब होता है और क्यों होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। इसके अंदर कौन कौन सा साल्ट पड़ा होता है? ए मोक्सासिलिन एंड पोटोशियम 200 mg होता है, कैलाब्यूलेनिक एसिड 28 mg होता है पर 5 ml के अंदर। ये दोनों साल्ट 5 ml के अंदर पड़े होते हैं। इस सिरप की मैन्युफैक्चरिंग करती है अरेस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये 30 ml का सिरप 70 रुपए का मिलता है। गाइस, बात करते हैं इसके यूज के बारे में। इसका यूज होता है फीवर में, कोल्ड फीवर हो जाता है, कफ में, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में इसका यूज होता है, चोट लग जाती है तब भी इसका यूज होता है, और किसी भी प्रकार के जख्म को ठीक करने में इसका यूज होता है, और दांतों के इन्फेक्शन में, बोन के इन्फेक्शन में भी इसका यूज होता है। गाइस, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, रेडनेस हो सकती है। गाइस, बात करते हैं इसकी डोज की। वैसे तो किसी भी मेडिसिन की डोज एज, वेट और कंडीशन पर डिपेंड करती है। बात करते हैं इसकी जनरल एडल्ट डोज के बारे में। है मंथ से लेकर एक ईयर तक के बच्चे को 5 ml दी जाती है। गाइस, कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर कर लें। ऑफकोर्स गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।